एक हसीना थी एक दीवाना था, एक रोमांटिक म्यूजिकल मिस्ट्री है और बहुत खूबसूरत मूवी है। सुनील दर्शन ने डायरेक्ट किया है और नदीम सर ने म्यूज़िक दी है और अभी एक गाना बहुत अच्छा जा रहा है, हुए बेचैन, बहुत पॉपुलर है, नंबर 2 है पूरा इंडिया में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक बहुत दिनों के बाद आप एक रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म देखेंगे, एक कमर्शियल मसाला फिल्म जिसमें सब कुछ है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, यू नो मल्टी जोनर है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है और बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी है। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सुनील दर्शन के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार के साथ काम किया है, प्रियंका चोपड़ा को भी लॉन्च किया है, तो उनके सिनेमा भी बहुत फेमस है। इसने दोस्ती किया, बरसात किया, एक रिश्ता, जानवर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक खूबसूरत मौका मिला है उनके साथ काम करने का और एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है जो 30 जून को अभी रिलीज़ होने वाली है। तो मैं उसमें एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ और मैं नर्वस हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरी फिल्म आ रही है बड़े पर्दे पे। तो आई थिंक ऑडियंस के हाथ में अभी। अपने रोल को थोड़ा डिस्क्राइब करें, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? तो मेरा जो किरदार है उनका नाम है सनी। वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। वो हमेशा दूसरे लोग को आगे रखता है और इसमें जब वो, क्योंकि ये मिस्ट्री फिल्म है ना, तो मैं आपको सब कुछ बता नहीं सकता बट मैं ये बोलूँगा कि इसका जो इमोशनल ग्राफ है हिंदी सिनेमा में आई थिंक फर्स्ट टाइम आप ऐसे देखेंगे। क्योंकि एक हसीना थी एक दीवाना था एक टैग लाइन है, लव इज़ डिसेप्शन। क्योंकि कभी हम सोचते हैं प्यार दोस्ती होती है, प्यार फिजिकल अट्रैक्शन होती है, तो कभी कभार वन साइडेड लव भी होता है। यू नो मैं बोलूँगा एक दीवाना, ये मैं बोलूँगा शिव है इस मूवी में, हसीना नताशा ऑब्वियसली, और मैं इस फिल्म का परवाना हूँ। मतलब जो प्यार का परवाना होता है, यू नो जो गिवर होता है, मतलब दीवाना प्यार में जान ले सकता है और परवाना मतलब जान दे सकता है, नो तो मैं इस फिल्म का परवाना हूँ। ओके सर, अपने लाइफ से कितना रिलेट करते हैं? मैं तो नहीं, नहीं मैं तो कुछ रिलेट नहीं करता। इसलिए मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आप उपेन पटेल के बारे में सोचते हो तो आप हमेशा सोचते कि फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर करेगा, कैसनोवा, थोड़ा सा मैचो। और इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती है कि एकदम अलग किरदार है इसमें। आप सिर्फ मुझे यू गोना सी मी परफॉर्मिंग, मैं इमोशनल कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसका जो ग्राफ है, यू नो एकदम परफॉर्मेंस का रोल है। और मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि जब दर्शकों ये मूवी देखेंगे तो वो महसूस करेंगे जो मैंने महसूस किया, क्योंकि इस फिल्म में हर इमोशन को मैंने महसूस किया है। अपने किरदार में से कुछ अडॉप्ट करना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली नो, आई थिंक ये जो किरदार है सनी, हम सब सोचेंगे काश हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम सब अपने बारे में सोचते हैं, यू नो दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया है, ये है, बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो सब लोग को आगे रखते हैं, उनकी खुशी के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में बाद में। तो आई थिंक डेफिनेटली यू नो मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कैरेक्टर के थ्रू, बट रिलेट नहीं करता बट मैंने बहुत सीखा है उससे। कैरेक्टर की बात हो गई, मूवी मिली कैसे आपको? मूवी मिली कैसे? एक्चुअली मैं सुनील दर्शन मेरे मेंटर है और हम हमेशा कांटेक्ट में थे और मैंने कहा था कि जब सर कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर यू नो मेरे बारे में सोचो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड बोला कि आप ऑफिस पे आ सकते हैं, मेरे पास एक फ़िल्म है और मैं आपको निर्देशन दे दूँगा सिर्फ फर्स्ट हाफ का। तो मैं गया था ऑफिस में और उन्होंने बहुत प्यार से बिठाया और मुझे एक बहुत खूबसूरत नरेशन दिया। उन्होंने बताया कि फ़िल्म का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। तो मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक आज की डेट में ना जो फिल्म्स आते हैं काफ़ी एरोटिक आते हैं, यू नो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो ये एक फ़िल्म है, एक फैमिली फ़िल्म है, फैमिली इंटरटेनर है और इसकी बहुत अच्छी बात है कि ये फ़िल्म इज़ इंडियन एट हार्ट, मतलब दिल से इंडियन है, यू नो इसका जो सोल है एकदम इंडियन है। देखा जाए तो आप 2008 के बाद में कंटिन्यू ब्रेक लेते हुए, हाँ जी, साल तीन साल वापस अभी 2 ईयर्स के बाद में ये मूवी आ रही है, हाँ जी, ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं, यू नो कभी कभार आपको आवाज आया, एक सेकेंड ऊपर से आ रही है। 2008 के बाद देखा जाए तो कंटिन्यू गैप देखा, हाँ जी।
सी मैं गैप कॉन्शियसली नहीं लेता. लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म किया शंकर सर का आई, मैं और एमी जैक्सन और विक्रम सर. फिल्म बहुत अच्छी गई, वो साउथ की मूवी थी. और बीच में मैंने टीवी भी किया, तो मैं काम तो करता रहता हूँ. बट आई थिंक यू नो, आप बोलेंगे आमिर खान, वो हर 3 साल में एक फिल्म करता है. कोई नहीं बोलता कि आमिर खान कहाँ गया. ऋतिक रोशन भी 2 साल में एक फिल्म करता है. तो आई थिंक एज एन एक्टर आपको चुन चुन के काम करना पड़ता है. और मैंने हमेशा अपने करियर में आप देखेंगे तो चुन चुन के काम किए. जब मैंने 36 चाइनाटाउन किया, 1 साल के बाद नमस्ते लंदन आया, नमस्ते लंदन. फिर नमस्ते लंदन के बाद 2 साल का गैप था, फिर शाकला का. तो हमेशा गैप्स हुए हैं बिकॉज आई थिंक आपको वेट करना पड़ता है यू नो, अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए. तो मैं सिर्फ वेट करता हूँ. मैंने बहुत बहुत चीज़ों को रिजेक्ट भी किया है जो लोग को पता नहीं है. बट मैं हमेशा सोचता जब आपको सिनेमा करना है तो आपको अच्छा सिनेमा करना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आया. एंड आई डोंट थिंक मैं सिनेमा पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ ताकि मैं ऑडियंस को भी इंटरटेन कर सकता हूँ. सर टीवी की बात करते हैं, नज बलिया में हाँ जी, उसके कुछ मेमोरीज शेयर कर सकते हैं जो अच्छी मेमोरीज. नहीं मैं बोलूँगा रियलिटी शोज बहुत अच्छे हैं. जो लोग टीवी पे काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है. और मैंने डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है. आई थिंक नज बलिया मुझे मिला एक प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपना डांस स्किल्स शो कर सकता हूँ. जब मैंने बिग बॉस किया तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले यू नो. और जब आप रियलिटी शोज करते हैं तो आपको मतलब 6 हफ्ते देना पड़ता है, 8 हफ्ते देना पड़ता है, और आप अच्छे पैसे कमाते हो. उस टाइम पे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है, नहीं आती है यू नो. आप काम कर सकते हैं, ऑडियंस के माइंड में भी रह सकते हैं. ओके सर, कोई नहीं. सर इसमें डेब्यूटेंट एक्ट्रेस देखा जाए तो एक्ट्रेस अपना अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दिया सर, अभी इनके साथ अपना एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? और नताशा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एक न्यू कमर है और मुझे पता भी एक यू नो देयर वाज अ टाइम कि मैं भी एक न्यू कमर था. तो आपको हमेशा न्यू कमर को सपोर्ट करना चाहिए. वो बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छी एक्ट्रेस है. एंड मैं मानता हूँ कि वो बहुत लकी है कि सिंह दर्शन ने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने उनको इतनी अच्छी रोल दिया. फर्स्ट फिल्म के लिए एक पावरफुल परफॉर्मेंस रोल दिया है. And I think she's done a good job because she's a very honest girl. Sir, song की बात करें तो एक song तो दोनों पर चल ही रहा है. हाँ, हुए बेचैन. और कितने songs हैं इसमें? इसमें 6 गाने हैं और सब मेलेडी गाने हैं, रोमांटिक नंबर्स. पर इसकी जो खासियत है ना कि हमारी मूवी में ना हमने कुछ म्यूजिक वीडियोज नहीं बनाया. हमारा हर गाना एक सिचुएशनल गाना है और कहानी को आगे ले जाता है. तो और इसमें हर किस्म के मूड है. एक रोमांटिक गाना है, एक सैड गाना है जो परसों रिलीज किया आंखों में आंसू. तो हर किस्म के गाने हैं इसमें. एंड आई थिंक दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा. मेलेडी म्यूजिक है, नदीम सर है, न्यू वॉइसेस है. एंड हुए बेचे बहुत अच्छा जा रहा है. तो इसका आपका मनपसंद गाना कौन सा है इसमें? मेरा मनपसंद गाना है बहुत खूबसूरत गाना है इसमें जो शायद लास्ट में रिलीज होगी. इसका नाम है नैन. बहुत कमर्शियल गाना है, टिपिकल नदीम गाना है. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब वो रिलीज होगी. और पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत हो चुकी है यूके में. वेरी नाइस. दो लाइनें भाई, नहीं मैं गा नहीं सकता. बहुत मुश्किल से हिंदी में बात कर रहा हूँ, अब गाना नहीं गा सकता. अच्छा, यूके में शूट हुआ, कितना एंजॉय किया? और लोकेशन की बात करो और कहाँ कहाँ शूट हुआ? हाँ सर, मैं बोलूँगा मैं इतना एंजॉय किया नहीं क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है जो बहुत इमोशनल कैरेक्टर था तो मैं उसकी दर में घुस गया. और ठंड बहुत थी और मुझे ठंड पसंद नहीं है. -3 यू नो. और हम एकदम पानी के पास थे तो और ठंड लगता था. बट फिर भी मैं खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला. फनी और यू नो मैं सच बोलूँगा मैं इसमें कुछ फनी नहीं था क्योंकि वेदर वॉज सो बैड यू नो. -3 बहुत हवा था, बहुत ठंड थी वहाँ पे. फिर ये जो कैरेक्टर बहुत इमोशनल था, उनके साथ बहुत चीज़ें हो रही थी यू नो. और यू नो क्या होता है जब आप इमोशनल होते हैं ना रियल लाइफ में तो आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए होते हैं. जब आप शूटिंग कर रहे हो तो आपको वो इमोशन को पकड़ना पड़ता है 12 घंटे यू नो. तो ये बहुत ड्रेनिंग होता है. अच्छा, और भी स्टार कास्ट होंगे उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह? बहुत अच्छा. शिव हु इज़ प्लेइंग देव, मैं उनको जानता हूँ क्योंकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे मेरे एक फिल्म पे जो सिंह दर्शन भी डायरेक्ट कर रहे थे. और वर्किंग विद हिम एज अ एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, अच्छा इंसान भी है, एजुकेटेड थिंकिंग एक्टर. एंड सिर्फ दिस इज़ सेकंड फिल्म है उसका.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यू नो नताशा भी हार्ड वर्किंग थी, तो मैं बहुत मोटिवेट होता था कि मुझे भी अच्छा काम करना है. यू नो तो आई वाज वेरी हैप्पी वर्किंग विद देम. तमिल में कर चुके हैं, आई हाँ जी बॉलीवुड में भी, और ओरिजिनल मूवीज में, रीजनल लैंग्वेज में काम करने का सिला है, मराठी, सर आप ऑफर करेंगे तो हम करेंगे ना. कुछ अच्छा ऑफर करो, क्यों नहीं, हम एक्टर है तो हमारा तो काम है किस काम तरह करने की का. स्टोरी पसंद है देखा जाए तो फिर, कौन स्टोरी सी वाइज कौन सी स्टोरी करना चाहेंगे? सी में कोई, जो मुझे थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं, एक्शन अच्छे लगते हैं, रोमांस अच्छा लगता है. ऑनेस्टली मुझे कमर्शियल सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मल्टी जोनर होता है, जिसमें एक्शन ड्रामा सब कुछ होता है. तो मैं जोनर पे नहीं जाता, बट आई गो ऑन स्क्रिप्ट स्टोरी पे, कि मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये स्टोरी अच्छा लगेगा या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ वैल्यू, तो मैं वो सब देखता हूँ. एक ऑडियंस के लिए, ऑडियंस जाए तो जाए क्यों मूवी देखने के लिए थिएटर में, तो मैं उसके लिए मूवी बोलूँगा की? हाँ, एक हसीना थी एक दीवाना था 30 जून पे आ रही है. मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ जाओ देखने के लिए, क्योंकि एक रोमांटिक मिस्ट्री मूवी है, फैमिली फिल्म है, और इसमें सब कुछ है आपके लिए. इसमें एक्शन, ड्रामा, हाई इमोशंस, रोमांस, सब कुछ है. एक एक फुल कमर्शियल मसाला मूवी, और म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत है इसमें. तो इसे फैमिली इंटरटेन हो. एक्साइटेड है इसको रिलीज मैं होने एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस के? हूँ, बस मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि मेरी मूवी अच्छी जाए. और मुझे 100% पता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब और क्या क्या आ रहे हैं? सच बोलूँ अभी मैं सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहा अच्छा, हूँ, एंड फिर उसके बाद देख लूँगा. ओके, मीन्स अभी वापस ब्रेक होने वाला लग रहा है। हो सकता है. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच. थैंक यू.